यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से एडमिशन फॉर्म को लेकर जो राजनीति हुई थी, विपक्ष ने सवाल उठाए थे, सरकार पर दबाव बना गया था, उसका असर अब देखने को मिला है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वो जो फैसला था वो वापस ले लिया गया है। अब शिक्षा विभाग के फॉर्म में नहीं होगा यूएन क्लिनेशन का जो एक ऑप्शन हुआ करता था, विकल्प था, वो खत्म कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने नोटिफिकेशन की जो प्रति है, कॉपी है, वो भी दिखाई है। कुमार रमेश ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर मौजूद है। कुमार रमेश, विपक्ष ने जो सवाल उठाया था उसका असर कहेंगे अब असर सरकार पर हुआ है। विपक्ष के सवालों का असर नहीं कह रही है सरकार, कह रही है कि दरअसल एक योजना थी और इस योजना के तहत ये कॉलम बनाया गया था, लेकिन अब जिस प्रकार की बात उठ रही है, मीडिया ने भी उठाई और बाकी लोगों ने भी कहा, तो इसलिए वो सरकार ने कॉलम को वापस लेने का फैसला ले लिया है। और उन्होंने नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई कि अब जो लोग अलग से स्टाइफंड चाहते हैं उनके लिए एक स्टाइफंड का कॉलम होगा कि आप स्टाइफंड चाहते हैं तो किस एवज में स्टाइफंड चाहते हैं। अगर बैकवर्ड क्लास के हैं, शेड्यूल क्लास के हैं, तो आपको उसमें डिफाइन करना होगा, लेकिन अब अनक्लीननेस के नाम से कोई भी कॉलम नहीं होगा। इसके अलावा कुमार रमेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार तर्क तो इसके पीछे दे रही है और राजनीति जो हुई थी उसका भी हवाला नहीं दे रही कि उसके दबाव में, यानी कि विपक्षी दबाव में ये फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कल शिक्षा मंत्री ये कहते हुए नजर आए थे कि ऐसा तो कॉलम कोई है ही नहीं, कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। मंत्री को उस समय शायद जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन जब वो बवाल मचा, मीडिया में बातें उठी, तो उसके बाद उनको लगा कि इसको पता करना चाहिए, इसलिए उन्होंने पता किया और फिर फॉर्म दिखाया और सारा कुछ बताया उसके बारे में, और ये विस्तार से कहा कि उस फैसले को वापस लिया जा चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करी और ये जो आरोप लगाया था, उनको जानकारी नहीं है कि इस बारे में नोटिफिकेशन क्या है और सरकार का नजरिया क्या है। ये कोई जातिगत डाटा लेने का मैटर नहीं था, कोई सेम लगाने का मैटर नहीं था, बल्कि जो है एक लाभ पहुंचाने की योजना थी, इसलिए मांगा गया। इसके अलावा और भी ऐसे जिसमें विकल्प थे, जो इसमें जानकारियां जो पूछी गई थी अभिभावकों के द्वारा या छात्रों के द्वारा, उसमें भी कोई बदलाव है या सिर्फ ये एक ही जो विकल्प लिखा गया था इसमें बदलाव किया गया है, इसकी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है? देखिए, एक ही विकल्प के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि इस प्रकार की बात नहीं आएगी, और उन्होंने कहा भी कि काफी कुछ सिस्टम के बारे में तो कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं वो। उन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत में बहुत नई बातें भी कही और ये भी कहा कि जिन पेरेंट्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये मत सोचे कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकार उनके प्रति जो है सचेत है और जल्द ही एक मीटिंग करके कुछ नए नियम बनाए जाएंगे ताकि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए। यानी अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कुमार रमेश, की सरकार कहना चाहती है कि इसमें जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे उससे कोई लेना देना नहीं है और ये शिक्षा मंत्री के संज्ञान में खुद ही नहीं था कि शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? देखिए, विपक्ष को क्रेडिट लेना नहीं देना चाहते शिक्षा मंत्री, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको जब पता लगा तो उन्होंने किया, लेकिन इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं। जी शुक्रिया कुमार रमेश, तमाम जानकारी आपने दी। तो जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो एडमिशन फॉर्म को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, राजनीति होना शुरू भी हो गया था, और एक दिन बाद जो है सरकार अब फैसला लेती है कि जो ये चीज़ें थी इस फॉर्म में या जो कॉलम था, जो अनक्लीननेस का जो था, यूएन अनक्लीननेस का ये कॉलम दिया गया था, वो अब नहीं होगा आने वाले फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि शिक्षा मंत्री खुद ये कहते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष ने जो राजनीति की है या दबाव बनाने की कोशिश की है उसके मुताबिक ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है।